कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर को इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ, जिसमें करीना ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सभी जानते हैं कि करीना कपूर बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ अच्छी माँ भी हैं। करीना अपने बेटे तैमूर और जेह को फोन और टीवी से दूर रखने के लिए काफी हथकंडे अपनाती हैं। इस इवेंट में करीना ने बताया कि इतने हथकंडे अपनाने के बाद उनके बेटे उन्हें क्या जवाब देते हैं। दरअसल इस समय करीना नई फिल्म द बकिंगम मर्डर्स में डिटेक्टिव का रोल अदा कर रही हैं। उनसे सवाल हुआ कि उनके बेटे तैमूर ने अभी उनकी रिसेंट फिल्म कौन सी देखी है। इस पर करीना ने कहा, फेस्टिवल के दौरान मैं उन्हें ये फिल्म जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि फिल्म अभी थोड़े समय पहले ही रिलीज हुई है। करीना से एक सवाल और पूछा गया कि क्या वो तैमूर और जेह का स्क्रीन टाइम रेगुलेट करती हैं। करीना ने कहा, हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं है। सोमवार से शुक्रवार स्क्रीन टाइम के लिए ना होती है, लेकिन जब मैं और सैफ फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं तो कैमूर कहता है, तो आप टीवी क्यों देख रहे हैं, आप फोन पर क्यों हैं। करीना का कहना है कि आजकल पेरेंट्स जो चीजें अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं वो सभी पहले उन्हें करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वो सो जाए तो उस वक्त हम भी पढ़ या टीवी नहीं देख सकते जब तक वो सो नहीं जाते, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चा अपने माता पिता से सीखता है और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर बच्चा हमें फोन पर देखेगा तो वो भी उसे यूज करना चाहेंगे। बता दें कि फिल्म द बकिंगम मर्डर्स में शेफ से एक्टर बने रणवीर बरार ने करीना संग स्क्रीन शेयर की है। रणवीर ने क्लाइमैक्स में यादगार थप्पड़ वाले सीन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इसे सही तरीके से करने में करीब 15 टेक लगे। रणवीर ने कहा कि करीना शुरू में मुझे थप्पड़ मारने से हिचकिचा रही थी, वो कहती रही नहीं मारूंगी। दूसरी तरफ डायरेक्टर हंसल मेहता ने जोर देकर कहा, मार दो, मैं जानता हूँ कि रणवीर बुरा नहीं मानेंगे। करीना के हाथ हमेशा मेरी नाक के पास ही रहते थे, लेकिन मुझे छूते नहीं थे। मुझे बिना चोट खाए रिएक्शन करने की आदत नहीं है, इसलिए हमें उस सीन को करने में करीब 15 टेक लगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि करीना ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। रणवीर ने करीना की तारीफ करते हुए कहा कि शुरुआत में वो उनकी मौजूदगी से डरे हुए थे। रणवीर ने बताया कि उनके आसपास के लोगों ने उन्हें करीना के साथ काम करने को लेकर काफी नर्वस कर दिया था, इस हद तक कि उन्हें लगभग बुखार हो गया था। खैर, आपको करीना की एक्टिंग और अंदाज स्क्रीन पर कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।